So welcome back to my YouTube channel. This is your host and dost Vishwinder Rawat. So guys, आज बहुत ही amazing बात करने वाले हैं हम and ये related है Facebook से. कल मैंने एक post डाली थी अपने WhatsApp status पे जिसमें था कि never ask a hacker कि कभी भी Facebook और Insta hack करने के लिए. तो मैंने क्या सोचा कि आज क्यों ना हम एक कोई Facebook का ऐसा बग जो critical है और recent है उसके बारे में बात करें. तो हम बात करने वाले हैं कि हैकर कोई भी फोटो जो कि फेसबुक के सर्वर पर है उसको डिलीट कर सकता है. ऐसा बग अभी रिसेंटली 12 जून को एक रिपोर्ट हुआ था एंड फाइनली फेसबुक ने उस पर अपना काम किया और उसको ठीक कर दिया है. सो मैं उस बग के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो बग क्या था, कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ों का ऐसा हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए. तो मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ कि जो पोस्ट थी. एक अभी नया फीचर आया है गेट गिफ्ट कार्ड परचेजेस का. अगर आप पोस्ट करते हो, जैसे आप अपने न्यूज़ फीड में गए एंड अपनी प्रोफाइल पे जब आप गए तो आपने ऑप्शन मिला कि आपको स्टोरी कुछ भी पोस्ट करना है, तो उस कंटेंट में एक गेट गिफ्ट कार्ड परचेजेस का ऑप्शन नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो उस एथिकल हैकर ने क्या किया कि उसने उस पर टेस्टिंग करी और उसमें एक पैरामीटर जिसे हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं, एंड पॉइंट था फोटो आईडी. तो फोटो आईडी उसने रिपोर्ट करी एंड उसने क्या किया, उस सिनेरियो में वो पोस्ट डेटा जा रहा था एंड उस पैरामीटर को चेंज करके कोई और फोटो आईडी लगाई एज अ विक्टम एंड चेक किया कि वो डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही. एंड फाइनली जब उसने वो रिपोर्ट किया तो फर्स्ट टाइम में उसको रिपोर्ट नो रेट लिमिटिंग उसने जो किया था उसके ऊपर जिसकी वजह से वो फ़ोटो डिलीट हो रही थी, तो उसने चेक किया बार बार तो वो नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये रिपोर्ट क्लोज हो गई थी. बट फेसबुक का एक मैसेज जो आया था, उन्होंने जो रिप्लाई किया था उसका उसने फ़ायदा उठाया. उसने उसको समझा कि क्या था और मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या था. तो ये कोई कासिम नाम थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था एंड फेसबुक का रिप्लाई वॉज थैंक यू फॉर द अपडेट्स, द रेट लिमिटिंग ऑन द URI डज नॉट क्वालिफाई हियर, इन एडिशन द फोटो आईडी प्रोवाइडेड डज नॉट लोड फॉर माई सेल्फ. लाइक एक आईडी प्रोवाइड करी थी उसने एंड उसने जब वो सेम आईडी करी तो एक एरर प्रोड्यूस हुआ. तो इसका मतलब कि उसने फाइनली जो उसमें लिखा था, इट अपीयर्स दैट द पोस्ट डज टेक टाइम टू बी डिलीटेड. तो पोस्ट टाइम ले रही थी डिलीट होने का, इस वजह से उसको लगा कि वो फोटो डिलीट नहीं हो रही है एंड उसने वहाँ पे हार मान ली थी. बट उस रिप्लाई की वजह से ही अगेन स्टार्टेड टेस्टिंग ऑन दैट पैरामीटर और एंड पॉइंट एंड फाइनली रिजल्ट वॉज सक्सेसफुल. ही गॉट $10,000 इन बाउंटी एंड फीचर उसने इम्पैक्ट दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक पे से बहुत सारी फोटोज डिलीट करी जस्ट टू शो देम कि कितना क्रिटिकल एंड इम्पैक्टफुल है ये बग. और फाइनली फेसबुक ने कंसिडर किया इस बग को एंड दे प्रोवाइडेड हिम विद $10,000 ऑफ बाउंटी. सो इस तरह की चीज़ें, मतलब फेसबुक को हैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड देयर कुड बी लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ कोड. तो गलती तो होती ही रहती है. बट जो मेरा कोड था वो इसलिए था क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा ये बोलता है कि यार फेसबुक हैक कर दे, इंस्टा हैक कर दे. दिस इज़ नॉट हाउ हैकिंग वर्क्स आउट. There is no assurity. मैं assure नहीं कर सकता कि there would be any bug in Facebook or Insta. And वो mostly काम जो होता है वो black hat का होता है. And guys, ethical चीज़ें करो. Ethical चीज़ें करने में जो मज़ा है वो unethical में कभी नहीं आ सकता. There are consequences. There could be like you will suffer jail हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. और अनएथिकल करना क्यों है मेरे को समझ नहीं आता. सो गाइस, दिस वाज द पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की डिलीट हुई थी. सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो एंड घर पर रहो, स्टे सेफ
स्टे एट होम एंड प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही सब चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हैं एंड आगे हेल्प करती हैं कि मैं आगे और चीज़ें अच्छे से बना पाऊँ। एंड इससे मुझे पता भी चलता रहेगा कि मेरा कंटेंट ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो बाय।